नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिल्ली की तमाम अहम और बड़ी खबरें। देश की राजधानी के लाल किला मैदान में चल रही लवकुश रामलीला में विजयदशमी का अलग ही माहौल था। इस बार भी रामलीला में मुख्य अतिथि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। इतना ही नहीं, रावण दहन से पहले सीएम केजरीवाल बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक स्वरूप रावण का वध उन्होंने किया और पहला बाण आपको बता दें कि उन्होंने चलाया। विजयदशमी को लेकर रामलीला कमेटी ने बताया कि सीएम केजरीवाल लगातार तीसरी बार इसमें शामिल हुए हैं। साथ ही इस बार महामारी को देखते हुए दशहरे को लेकर खास इंतजाम किए गए थे। इस दौरान कोविड नियमों और माननीय कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही लीला ग्राउंड में दशहरा उत्सव मनाया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने रावण का दहन किया। बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत और पाप पर पुण्य की जीत का प्रतीक दशहरा मनाया गया। ये तस्वीरें जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे, मंच पर उन्होंने सबसे पहले आरती की राम लक्ष्मण और साथ ही साथ उसके बाद उन्होंने बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया। रावण का रामचंद्र जी ने वध किया, वो किसी व्यक्ति विशेष का वध नहीं है, वो एक तरह से अधर्म के ऊपर धर्म की जीत है, अधर्म का नाश है। और जैसा हम लोगों ने गीता में भी पढ़ा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब अधर्म बढ़ जाता है तब तब भगवान अपने तरीके से उस अधर्म का नाश करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ रही है। मैं इस मौके पे भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि हमारे पूरे देश को इस कोरोना रूपी रावण से मुक्ति मिले। 1.5-2 साल हो गए इस बीमारी को झेलते झेलते। आज हम सब लोग मिलके अगर प्रार्थना करेंगे तो सामूहिक प्रार्थना का बहुत बड़ा असर होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना रूपी रावण से हम सबको मुक्ति मिलेगी। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सब लोगों के घर में सब लोग स्वस्थ रहें, बीमारियों का नाश हो, आप सबके घर में खूब बरकत हो, आप सबके घर में भगवान खूब खुशियां दें। बोल सियावर रामचंद्र की जय, श्री राम जय श्री राम। आज दशहरे के अवसर पे अधर्म के ऊपर धर्म की जीत के अवसर पे सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने रामलीला भी देखी, किस तरह से रावण का रामचंद्र जी ने वध किया, वो किसी व्यक्ति विशेष का वध नहीं है, वो एक तरह से अधर्म के ऊपर धर्म की जीत है, अधर्म का नाश है। और जैसा हम लोगों ने गीता में भी पढ़ा है,
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब अधर्म बढ़ जाता है तब तब भगवान अपने तरीके से उस अधर्म का नाश करते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.